उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक साल पूरा हो चुका है। जनता योगी के कार्यों से अभी तक कितनी संतुष्ट है, यही जानने के लिए हमारे संवाददाता मऊरानीपुर से रवि परिहार ने कुछ जानकार लोगों से बातचीत की और जाना कि कितनी खुश है जनता योगी राज में। देखिए यह खास बातचीत। नमस्कार, न्यूज़ वीके में आपका स्वागत है। मैं हूँ रवि परिहार और आज हम लोग मऊरानीपुर के में हैं, जहाँ पर योगी सरकार के एक साल पूरे हो चुके हैं। और आज हमारे साथ में नगर के कुछ लोग हैं, जो जिसमें किसान नेता भी हैं, व्यापारी भी हैं और आम जनता भी है, और जिनसे आज जानेंगे कि योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर योगी सरकार कितनी सफल हुई है, कितनी असफल हुई है। तो सबसे पहले अब एक सवाल ये है आपसे कि आपकी सरकार एक साल में क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं और जनता के लिए कितनी खरी उतरी है सरकार? रवि जी, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कहीं कभी कोई फर्क नहीं रहा है। चुनाव पूर्व जो वादे किए थे, जो घोषणा पत्र में वादे किए थे, उसी के अनुसार जो है योगी सरकार चल रही है। नकल विहीन परीक्षा का जो वादा किया था, पूरे उत्तर प्रदेश में नकल विहीन परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराई, गड्ढा मुक्त सड़कों का जाल बिछा दिया। आपका क्या कहना है, व्यापारियों के लिए सरकार ने कितना काम किया है और क्या आप संतुष्ट हैं सरकार से? पहले तो मैं एक बात बता दूं कि व्यापारी किसी दलदल राजनीति का शिकार नहीं होता है। राजनीति से ऊपर उठ के व्यापारी अपनी जो उसके स्वार्थ की बात करता है, जो उसके स्वाभिमान की बात करता है, व्यापारी उसी का काम करता है। मऊरानीपुर में व्यापारियों की दशा बेहद ख़राब है। माननीय योगी जी के फरमान के बावजूद भी कि व्यापारियों को उचित सम्मान, उचित हर चीज़ मिले, लेकिन इसके बाद भी मऊरानीपुर का व्यापारी उदासीन है। मैं सरकार के काम को से तो खुश हूँ, लेकिन स्थानीय प्रशासन के कारण बड़ा क्षुब्ध हूँ। और सबसे एक चीज़ और, आम जनता राजेंद्र राहुल जी आपसे एक सवाल है, सरकार ने महंगाई पर क्या लगाम लगाई है, क्या आप महंगाई से संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, महंगाई नहीं है। महंगाई तो इसलिए नहीं है कि लोग कहते हैं महंगाई है। मेरा ये मानना है कि महंगाई नहीं है, जो लोग काम नहीं करना चाहते हैं उनके लिए महंगाई लगती है। बकाया महंगाई नहीं है, हर आदमी अच्छे से अच्छे कपड़े पहन रहा है, हर आदमी अच्छे अच्छे खाना खा रहा है, जूते पहन रहा है, शॉपिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, महंगाई नहीं है। वो तो जो लोग काम नहीं करना चाहते उनके लिए महंगाई है। गाँव में आप देख लीजिए, अधिकतर लोग ताशों पर बैठे रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि वो कोई छोटे मोटे काम करें, कुटीर उद्योग हैं, छोटे छोटे कार्य हैं, वो करें तो महंगाई उनको नज़र नहीं आएगी। अवैध खनन, सड़क, पानी, अपराध, कानून व्यवस्था, इस पर आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था तो ऐसा है, चूँकि कानून व्यवस्था थोड़ी सी लचर दिखाई दे रही है। बकाया तो प्रदेश में ठीक चल रहा है, पहले से तो बेहतर है। बेहतर है, आपकी क्या राय है सर? यहाँ पर अवैध खनन तो जो है कि देखो, जरूरत की चीज़ है बालू, उसके अलावा कोई खनन नहीं हो रहा है। जो भी खनन हो रहा है, और वो आम सरकारी, अब तो चूंकि प्रदेश ने पट्टे भी कर दिए हैं लगभग, और अपने यहाँ तो मध्य प्रदेश से भी आ रही है, और थोड़ी बहुत ऐसी उठ रही होगी तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है खनन। लेकिन बकाया अपराधियों पे अंकुश लगा कर कितने एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार ने कराए हैं। जो भी अपराधी स्टेट लेवल पे अपने अपराध की छवि बनाए हुए थे, पूरे प्रदेश को माहौल ग्रस्त किए थे अपराध से, उनसे मुक्ति मिल रही है धीरे धीरे। किसानों के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में, मुख्य धारा में किसान आता है, और भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, जब इनकी सरकार नहीं थी उस टाइम, चुनाव के टाइम पे इन्होंने जो घोषणा किया था, वादे किए थे कि अगर उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आती है तो सर्वप्रथम हम किसानों का ऋण माफ़ कर देंगे, और किसानों के लिए हम ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे जिससे किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। सरकार किसानों की मुद्दों पर कितनी सफल रही है? देखिए, मेरे हिसाब से किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार पूरी तरह फेल हुई है, जमीन पर पूरी तरह फेल हो गई। कारण क्या है? के हिसाब से कि जैसे इन्होंने कर्ज माफी योजना चलाई तो उसमें भेदभाव की राजनीति हुई है। छोटे मझोले का इन्होंने माफ किया है और बड़ों को छोड़ दिया, जबकि बुंदेलखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो शायद एसी में बैठे हुए मंत्रियों को दिखाई नहीं देता। हम तो यही चाहते थे, चुनाव के टाइम इन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम भाई भेदभाव करके ही किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। आज स्थिति ये है कि एक साल होने के बाद सबसे ज़्यादा किसान रो रहा है। अभी अभी
शासन ने किसानों के ऋण वसूली के नोटिस जारी किए हैं तो किसानों को कुछ हाथ नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये जो किसानों के हित में इन्होंने बात रखी थी वो एक सिर्फ जुमला साबित हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक ही बताइए, हमारे साथ में नगर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद चतुर्वेदी जी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि सरकार कितनी सफल रही है, कितनी असफल रही है। भाई रवि जी, प्रदेश में सरकारें पहले भी रही और वर्तमान में भी हैं, लेकिन सरकारों का अपना अपना रवैया, अपने अपने तरीका का रहता है और अपने अपने स्तर से काम करती है सरकारें। आज वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है उससे अधिकांश जनता से जो संपर्क हम लोगों का रहता है उससे कहीं ना कहीं खुशी उनके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी स्तर पर अभी ऐसा कुछ बदलाव नज़र नहीं आ रहा कि प्रशासन शासन की मंशाओं पर खड़ा उतरे। लेकिन जहां तक सरकार का काम है, सरकार को ये सब चीज़ देखना चाहिए कि हमारी प्रशासनिक मशीनरी कहाँ तक सफल है या असफल है, जनता को उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सरकार की बात है। कानून व्यवस्था कितनी सफल है? कानून व्यवस्था अन्य सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी दिखाई दे रही है, और अगर प्रशासनिक मशीनरी और भी थोड़ी चुस्त होगी तो कानून व्यवस्था और अच्छी साबित होगी। आपसे एक सवाल है, सड़क के मुद्दे पर सरकार ने आदेश दिए थे कि गड्ढा मुक्त सड़क होगी, लेकिन अभी भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पे गड्ढा तो दिखाई नहीं था, ना सड़क है ना गड्ढा है। सभी जी, जैसा कि आपने कहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कों की बात जो कही थी उसमें हमारी जहाँ तक जानकारी है 95% से ऊपर तो गड्ढा मुक्त सड़कें हो चुकी हैं अधिकांश जगह। नई सड़कें भी बहुत जाल बिछाया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, हो सकता है कहीं कोई कमी रह गई हो, शीघ्र ही जो है उस पर भी हमारे योगी जी और हमारे मंत्री लोग जो है लगातार काम कर रहे हैं। आपको जल्द ही दिखाई देगा कि गड्ढा मुक्त सड़कें और बहुत ही सुगम सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, जैसा कि हमारे मोदी जी और योगी जी की मंशा है। विद्युत व्यवस्था पर आपका क्या कहना है? विद्युत व्यवस्था पूर्व सरकार से अच्छी हुई है कि खराब है? ठीक है, लगभग पूर्व सरकार के साथ ठीक है। का क्या मतलब है? मतलब संतुष्ट हैं या आप नहीं हैं? संतुष्ट तो हैं विद्युत विभाग से, क्योंकि काफ़ी चोरियां हो रही थी विद्युत विभाग की, तो सरकार ने रोका है। विद्युत सप्लाई कितने घंटे दी जा रही है? वर्तमान तो ठीक नहीं है। वर्तमान ठीक नहीं। कितने घंटे सप्लाई है? लगभग 14 घंटे मिल रही है। 14 घंटे आदेश कितने घंटे का है? 20 घंटे का है। 20 घंटे का, तो बुंदेलखंड के क्षेत्र को 14 घंटे विद्युत सप्लाई दी जा रही है। 14 घंटे मिल रही है। तो पिछली सरकार में कितने घंटे सप्लाई थी? पिछले घंटे में लगभग यही था, कभी 15 घंटे आ जाती थी कभी। उस सरकार में इस सरकार में कितना फर्क हुआ? कोई ज़्यादा अंतर नहीं हुआ इस सरकार उस सरकार में। इसके पहले जो सरकार हुआ करती थी मायावती जी की, उसमें जरूर 20 घंटे लाइट मिली बुंदेलखंड को, लेकिन दोनों सरकारों में अभी उतना नहीं मिल रही है जितनी पिछली सरकार 2007 से 2012 को मिली है। ये थे हमारे साथ में नगर के कुछ लोग जिन्होंने योगी सरकार के एक साल पूरे होने पर अपनी अपनी राय दी है। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए शक्ति श्रीवास के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।